रात भर नींद नहीं आती, जिस दिन सुबह क्या खूबसूरत नजारे हैं यार। हाँ जी आओ, क्या पूछना है? जब से आए तब से ही पूछ रहे अंकल, आप राइडर हो? आप राइडर हो, एक एक करके सब पूछ। यहाँ चल रही है शूटिंग, और शूटिंग में देखो क्या क्या बेचारे लड़के लड़की को क्या क्या झेलना पड़ता है। सो पैकिंग हो गई, अपनी पूरी पूरी तैयारी हो चुकी है। बहुत दिनों से सोच रहा था यार एक अच्छी सी राइड पे निकलेंगे, और अब फाइनली वक्त मिला है मुझे एक अच्छी सी राइड पे जाने का। मेरे सैडल बैग वगैरह सब पैक हो गए हैं। कुछ एक चीज़ें मैंने नहीं ली हैं, वो मैं दिखाता हूँ। एक तो मैंने ना एक लिया है, ये चीज़ दिखाता हूँ। ये ना बाइक पे लगाने का होता है, माउंट है। तो इससे क्या है कि यहाँ ऐसे क्लिप वाला ग्रिपिंग सिस्टम है, और आप इस क्लिप को यहाँ से टाइट भी कर सकते हो जितना आपको चाहिए हो। तो कहीं पे भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो, बाइक पे, कहीं काउंटर पे, कहीं लकड़ी पे, कहीं आयरन पे, कहीं पे भी लगा सकते हो। फिलहाल मैं इसे लगाऊंगा अपनी बाइक पे आगे हैंडल के आगे ऐसे, और वहाँ से व्लॉग आएगा मस्त एकदम। मतलब बाइक में देख के बात करूंगा। अब इंस्टा 360 मुझे वहाँ नहीं लगाना पड़ेगा। और इंस्टा 360 के लिए एक और चीज़ लिया, वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को पता है क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि आप लोग भी ऐसे अच्छे अच्छे काम कर सको और वीडियो और अच्छी बने। ये एक स्टिक है, कार्बन फाइबर की है, प्योर कार्बन फाइबर है। और ये जो स्टिक है ना, ये लगभग लंबी हो जाती है 10 फुट लंबी, बहुत लंबी हो जाती है यार, कसम से बहुत लंबी। इससे पता है क्या फ़ायदा होगा? कई जगह ऐसी होती है ना जहाँ पे हम लोग ड्रोन शॉट नहीं ले पाते, तो इससे ये होगा कि मैं वहाँ पे ना ईजिली आराम से ड्रोन शॉट ले सकूँगा। ये बहुत लंबी हो जाती है यार। मैं और कहाँ से खोल के दिखाऊँ, इसमें और भी तो खुलती है ये। हाँ ये देखो, तो ये बहुत लंबी हो जाती है यार, ऐसे लंबी चली जाती है भाई साहब, बहुत लंबी स्टिक हो जाती है। तो ये चीज़ें कुछ मैंने खर्चा किया है छोटा मोटा, मगर ये सच बताऊँ तो बहुत अच्छा खर्चा है। तैयारी हो गई है, और एक थोड़ी सी गलती हो गई है मेरे से आज, पता है क्या? अमित जी मेरे साथ जा रहे हैं इस राइड पर, और अमित जी सुबह इंतज़ार कर रहे थे मेरा हापुड़ गाज़ियाबाद के पास, और मैं सुबह उठ नहीं पाया था बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात को, पता नहीं क्या हो गया था। ये सुबह उठ के राइड पर जाना ना, मेरे साथ इसमें शनिचर ही चढ़ा हुआ है कसम से। अगर मेरे साथ कोई सुबह राइड पर जाने की सोच रहा है तो उसे कैंसिल करना पड़ेगा यार, सुबह नहीं हो पाता, पता नहीं क्या दिक्कत है। फिलहाल तैयार हो गए हैं पूरी तरीके से, काफ़ी दिनों बाद तैयारी कर रहा हूँ राइड पे जाने के लिए। सब चीज़ें लेके नीचे चलते हैं बाइक पे, बाइक पे लगा के आपको सीधा मिलता हूँ अब गोप्रो पर। सो निकल गए यार अपने डेस्टिनेशन के लिए, और डेस्टिनेशन जो अपना है ना आज का, वो यहाँ से सीधा कैंची धाम। अभी हालांकि मैंने मैप डाला है मुक्तेश्वर, नैनीताल से आगे पड़ता है करीबन 70-80 किलोमीटर आगे मुक्तेश्वर धाम, वहाँ का डाला है मैंने। क्योंकि कैंची धाम का डाल रहा था ना, तो पता नहीं कहाँ का क्या दिखा रहा था। और यार आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है भाई, बहुत जबरदस्त ट्रैफिक हो रहा है। पीछे भी मधुबन चौक पर बहुत खतरनाक ट्रैफिक था। यहाँ से 8 घंटे 4 मिनट दिखा रहा है मुक्तेश्वर धाम के, अगर हम कंटिन्यू चलेंगे तो शाम रात को पहुंचेंगे 8:10 पर। जबरदस्त गर्मी हो रही है आज, 2 दिन से तो यहाँ अच्छी खासी बारिश हो रही थी, अच्छा मौसम था, घटाएं वटाएं छाई हुई थी। आज जब हम निकले तो मस्त धूप वूप है, और ट्रैफिक तो टू मच है भाई साहब। मैंने मैप चेंज किया है, पहले ये मैप ना कार वाले पे लगा हुआ था। अगर मैं कार वाले पे लगा के रखता ना, तो ये उस रोड पे जाने के लिए कहता मुझे, और उस रोड पे ना बाइक अलाउड है नहीं। हालांकि दोनों रोड साथ में जा रही हैं, बस ये बीच में ये लगा हुआ है डिवाइडर, अदरवाइज ये रोड बिल्कुल पैरेलल जा रही है काफी दूर तक। तो अब हमने बाइक वाला लगा लिया, तो बाइक वाले पे अब हम इस पे चलेंगे सीधा सीधा। हापुड़ है यहाँ से 51 किलोमीटर और मेरठ है 68। अमित जी पहुंच गए, मुरादनगर से भी आगे कहीं, कह रहे हैं भैया मैं आराम से 1.5 घंटा बैठा हूँ, आप आ जाओ। मैंने कहा अरे यार जितना हो सकेगा उतनी तेजी से आ जाएंगे, टेंशन ना लो। हापुड़ 17 किलोमीटर, बरेली 217, अरे यार बरेली अभी भी 217 है, नैनीताल 241 किलोमीटर, नैनीताल से भी आगे जाना है यार हमें। तो टोल आ गया है जी, शुल्क प्लाजा। शुक्र है भाई साहब हवा चल रही है, वरना आज जिस लेवल की गर्मी है ना, माइंड ब्लोइंग वाली, धूम धड़ाका मच जाता कसम से। बारिश शुरू हो गई भाई साहब, हापुड़ क्रॉस करते ही बारिश शुरू हो गई है। हापुड़ क्रॉस करने के करीबन 15 से 20 किलोमीटर आगे आ गए, और ये कोई ढाबा है, राजा जी ढाबा, यहाँ पे लगाते हैं अपनी बाइक, खीर लस्सी चाय वाला। यार एसी वेसी वाले रेस्टोरेंट नहीं है क्या यहाँ?
अभी मैंने बात करी है अमित जी से, अमित जी यहाँ से करीबन करीबन 150 किलोमीटर आगे हैं और कह रहे हैं कि भैया आपको करीबन 2.5 घंटे लगेंगे यहाँ से वहाँ पहुँचने में। वो मुझसे पूछ रहे थे कि रुकना कहाँ पे है, तो मैंने बताया कि आज रुकेंगे कैंची धाम, तो वो वहाँ पे होटल वोटल लेके रह लेंगे। मगर इस बार जो ये जो राइड हो रही है ना अमित जी और हमारी, आगे पीछे वाली हो रही है। फिलहाल एक रेस्टोरेंट है राजा जी करके, हापुड़ से थोड़ा सा आगे, तो वहाँ पे एक लिया थाली। थाली में यार इतना सारा खाना है देखना, इसमें ये क्या है, खीर है, मटर पनीर है, दाल है, रायता है, चावल और शाही पनीर, रोटी, नान, सब कुछ है। अब दबाते हैं और खाते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। भाई अंदर का क्या मौसम था भाई साहब, एसी चल रहा था, बाहर ऐसी ह्यूमिडिटी हो रही है, गजब हो रही है कसम से यार। मगर काफी खुले में बना हुआ है और रेस्टोरेंट अच्छा है। मगर हम लोग यहाँ बैठ गए इसमें ना, मगर वहाँ है रेस्टोरेंट उस वाले गेट के अंदर, हम इसमें बैठ गए। हमें लगा कि वहाँ शायद पता नहीं है या नहीं है। हम निकलते हैं, अच्छा रेस्टोरेंट था, बढ़िया था सब कुछ, बट हम बैठ बाहर गए थे, बाकी सब ठीक था एकदम। मौसम और अच्छा हो गया और मस्त हो गया एकदम, देखो ऊपर एकदम खिला खिला सा मौसम हो गया मस्त। मुझे सर में सच में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, रात भर नींद नहीं आती। जिस दिन सुबह राइड पे जाना हो उस दिन रात को नींद आ ही नहीं सकती भाई साहब, पता नहीं क्या हो जाता है यार, सच में पता नहीं क्या हो जाता है, रात भर नींद नहीं आई है रात भर। 233 किलोमीटर बचे हैं यहाँ से कैंची धाम, 8 बजे पहुंचेंगे रात को, 5 घंटे 14 मिनट, और अब तक टोटल हमारी बाइक सुबह से चल चुकी है लगभग 150 किलोमीटर, 30,153 किलोमीटर, देख रहे हो 1.5 साल में 30,000 किलोमीटर मैंने ये बाइक चला दी है यार। नैनीताल 224, थोड़ी सी दूर में देखा कितनी बारिश हुई पड़ी थी और यहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है यार, क्या यार। और पता है अभी हम जहाँ जा रहे हैं ना कैंची धाम, कैंची धाम से ऊपर जब हम जाएंगे मुक्तेश्वर, तो मुक्तेश्वर का रास्ता इतना खूबसूरत है यार, इतना खूबसूरत है ना, बहुत ही लाजवाब रास्ता है यार। शाम के टाइम तो जब वहाँ पे सनसेट होता है ना, ओए होए होए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं यार, बहुत ही, कल दिखाएंगे आपको। फिलहाल तो बेचारे अमित जी को पकड़े पहले, अमित जी अभी हमसे 2-3 घंटा दूर है यार। ग्रीनरी देख रहे हो भाई साहब, ग्रीनरी, क्या ग्रीनरी हो रही है यार, खेत हैं ये सारे, मगर क्या मौसम हुआ पड़ा है, ऑसम एकदम। अभी हम हैं NH 9 पर और 7.5 किलोमीटर के बाद हम लेफ्ट हो जाएंगे, वो आ जाएगा NH 734, 734। अब यहाँ से कैंची धाम रह गया 140 किलोमीटर, 3 घंटे 45 मिनट और दिखा रहा है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार, क्या खूबसूरत नज़ारे, बारिशों में भी घूमने का अपना ही मजा है यार। यहाँ से नीचे से अब हमें होना है लेफ्ट, जिम कॉर्बेट के लिए भी यहीं से लेफ्ट हो जाते हैं। लास्ट टाइम मैं यहाँ खड़ा था तो पुलिस वाले आ गए थे, मैं वेट कर रहा था यहाँ पे खड़े होके विनय का, विनय हमारे एक राइडर थे पहले, बहुत पहले जब मैं BMW से शुरू की थी ना, जब मैंने राइडिंग करनी तब उनके पास भी BMW ही है 310 RR, तो वो आ रहे पीछे, हम खड़े हो गए यहाँ पर, पुलिस वाले आ गए 5 मिनट बाद ही आ गए कि यहाँ क्यों खड़े हो, मैं कहा जी ऐसे ऐसे वेट कर रहे हैं, कह रहे ठीक है मगर सेफ नहीं है एरिया, यहाँ से आगे चले जाओ किसी ढाबे वगैरह पे या किसी रेस्टोरेंट पे, मैं कहा जी ठीक है। अब जो रोड आएंगे ना ये ज़्यादा मतलब ठीक ठाक रोड नहीं है, वैसे तो ठीक है मगर उतनी खास नहीं है, कहीं से भी कोई भी आ जाता है अचानक से, गड्ढे आ जाते हैं अचानक से, जानवर आ जाते हैं अचानक से, और काफ़ी कंजेस्टेड एरिया भी है। अब यहाँ से राइट होंगे ना उसके बाद पूरा रेजिडेंशियल एरिया आ जाएगा, काफ़ी कंजेस्टेड रहता है वो NH 734। जगह जगह से खुदी हुई है रोड, जगह जगह से, और अपनी सुपर मीटियोर के सस्पेंशन इतने हार्ड है ना, धड़ाम धड़ाम उछालती है मस्त एकदम सस्पेंशन थोड़े से हार्ड है, आप अगर इसमें जेल सीट भी ले लेंगे ना उसके बावजूद भी आपको जो है ना छोटे छोटे गड्ढे भी बहुत अच्छे से पता चलते हैं कि हाँ कोई गड्ढा निकला है नीचे से।
हम जिस रास्ते से जा रहे थे यार, वो रास्ता सीधा यहाँ से लेके जा रहा था नैनीताल, और नैनीताल से फिर सीधा पहुँच रहे थे हम कैंची धाम। मगर अब जो अमित जी गए ना, वो यहाँ से काला डूंगी से हल्द्वानी होते हुए भीमताल होते हुए किसी रास्ते पे, तो अभी भीमताल के पास है वो। अभी उन्होंने मुझे लोकेशन दी है, तो अब उन्हीं की लोकेशन डाली है मैंने। यहाँ से 90 किलोमीटर है, और वो बता रहे थे कि भैया यहाँ बता रहे हैं कि ना कल मंगलवार है और कल बहुत ज्यादा भीड़ होगी कैंची धाम पर, इस वजह से वहाँ होटल मिले ना मिले कुछ पक्का नहीं है, तो भीमताल में कहीं होटल वगैरह देख लेते हैं। हमने कहा ठीक है, वहाँ देख लो आपको जहाँ ठीक लगे। मगर अब ये है कि वहाँ जाएंगे तो होटल वोटल सब पहले से मिलेगा, हमें आराम से बैठेंगे आराम से। यार कसम से जितना दिल्ली से लेके यहाँ तक मुरादाबाद आने तक नहीं हालत खराब हुई ना, उतनी ये मुरादाबाद से यहाँ तक आने में बैंड बज गई है। रोड बिल्कुल खराब थी, एकदम डैमेज और धूल मिट्टी, ओए होए बुरा हाल हो गया। अंदर से बॉडी एकदम चिप 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 हुई पड़ी है, बस दिल कर रहा है ठंडा ठंडा पानी डालें एकदम फ्रेश हो जाए। यार कसम से देखो ऐसी वाली रोड बड़ी प्यारी लगती है, दोनों साइड से ऐसे पेड़ हो गए हूँ, बीच में से ऐसे जा रहा हो बंदा, ओए होए होए क्या बात है यार, बहुत ही खूबसूरत। ये देखो ऐसे है ना। बहुत जोरों से यार बारिश शुरू हो गई थी अचानक से। नैनीताल यहाँ से सिर्फ 70 किलोमीटर रह गया है भीमताल। एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं यहाँ, हालांकि प्राइवेट पार्टी चल रही है, मगर फिर भी भैया कह रहे थे कि ऑर्डर लग जाएगा। पीछे का सिर्फ 50 किलोमीटर का जो रास्ता था ना यार, वो इतना बकवास था, सच में इतना ज़्यादा बकवास जिसकी कोई हद नहीं, इतना थर्ड क्लास था। और ये बच्चे आ गए, आ जाओ भाई। हाँ जी आओ, क्या पूछना है? ये वाला। हाँ ये हम, बिल्कुल 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 यही है। ये आप गए हुए हैं वहाँ पर? अभी तो हम आए ना इधर। यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन चल रहा है, एंगेजमेंट चल रही है, उसमें ये बच्चे आए हुए हैं और अब ये हमारे सब्सक्राइबर बन गए। तब से आए मुझसे पूछ रहे हैं अंकल आप राइडर हो, जब से आए तब से ही पूछ रहे हैं अंकल आप राइडर हो, आप राइडर हो, एक एक करके सब पूछ रहे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ बेटा हाँ। थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। क्या नाम है तुम्हारा? लवदीप। और तुम्हारा? विवेक। ध्रुव। अरे वाह क्या बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। देखना सारी वीडियो। हाँ हाँ अब तुम आओगे मेरी वीडियो में। यहाँ चल रही है शूटिंग, और शूटिंग में देखो क्या क्या बेचारे लड़के लड़की को क्या क्या झेलना पड़ता है। ऐसे हो जाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बेचारे लड़का लड़की की बैंड बज जाती है। ऊपर से इतने सारे रिश्तेदार, सब रिश्तेदारों को अंदर भेजा है ताकि इन्हें थोड़ी शर्म ना आए। अरे बहुत जबरदस्त बाइक है, बहुत जबरदस्त पावरफुल है। वो थोड़ा नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, उसमें मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई भारी भरकम मशीन चला रहा हूँ, वो फील नहीं आएगा। इसमें क्या है थोड़ा सा फील आता है, ऐसे लगता है कि हाँ कुछ चला रहा है। एग्जॉस्ट ये लगवा लेना, केपी रेसिंग सिस्टम एग्जॉस्ट के नाम से, केपी रेसिंग। हाँ 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 आप जाओगे ना मेरे उसमें तो उसमें दिखाई देगा पूरा 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 वीडियो। एग्जॉस्ट का एक अलग से वीडियो डाला हुआ है पूरा। हाँ 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 ठीक है जी, ओके 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 बेटा, बाय 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 बाय, लव यू। बच्चे बड़े प्यारे थे यार। बहुत प्यारे बच्चे थे बेचारे, आइसक्रीम लेके आ रहे हैं, कुछ लेके आ रहे हैं कि भैया खा लो प्लीज़। मैंने कहा बेटा हमने चाय पी अभी। बहुत प्यारे बच्चे यार, और सब लोग ऐसे इतने प्यार से मिलते हैं ना यार राइड के दौरान, बहुत अच्छा लगता है यार कसम से, बहुत ही प्यारा लगता है, लगता है यार हाँ कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं हम, जिसको देख के ना लोगों को खुशी होती है, सब चाहते हैं वैसा करना, वैसा कुछ बनना, वैसी जगहों पर जाना, इस लाइफ को जीना जो हम जी रहे हैं। हमारी ये लाइफ ना जिसे हम समटाइम्स सोचते हैं यार बड़ी बोरिंग है, बड़ी अजीब है, कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है ऐसी ज़िंदगी जीने की, सच में यार बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल 69 किलोमीटर रह गया है यहाँ से जहाँ हमें पहुँचना है, और होटल ले लिया है अमित जी ने, और 8:38 पर पहुँचेंगे। 2:04 दिखा रहा है, अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब यहाँ रुकना पड़ा था कि बारिश आ रही है, मगर थोड़ी देर रुके, चाय पिया, सैंडविच खाया, और वैसे ही बारिश ख़त्म, बिल्कुल बंद।
रेन गियर निकाले थे, बिना पहने वापस डाल दिए अंदर। रेन गियर पहन लेते हैं ना यार, फिर ना हवा भी अंदर नहीं जाती है, पता है इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, फिर तो टू मच। अभी तो अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है एकदम। ओहो, इतनी छोटी सी रोड पे इतनी हाई बीम जला रखी है जनाब ने। मेरी फॉग लाइट के अंदर ना तीन है बीम ना, एक तो है सिर्फ येलो, फिर है वाइट, एक येलो वाइट। तो जो मैं जलाता हूँ ना, समटाइम येलो जलाता हूँ, येलो जो है वो बिल्कुल नीचे वाला है, फिर वाइट जो है थोड़ा ऊपर वाला है, और येलो वाइट सबसे टॉप पर है। तो मैं मोस्टली येलो जला के रखता हूँ ताकि सामने किसी की आंखों पे ना लगे यार बेवजह। इतनी सी रोड है, आने जाने वालों को ना प्रॉब्लम होती है उससे। फिर अपन ध्यान रखते हैं यार, कोई ध्यान रखे ना रखे। अभी ठंडा ठंडा हो गया मौसम, अच्छा लग रहा है यार। हालांकि मेरा दिल था कि नैनीताल दिल में पहुंच जाए, थोड़े से ड्रोन शॉट्स वगैरह ले लें, मगर बारिश और गर्मी, ओए होए होए, आनंद ही आनंद है। बाप रे, कितना ओवरलोडेड है ट्रक, इधर कोई गिरेंगी सारी लकड़ियां। भाई साहब जल्दी से निकलो, इतना ज्यादा ट्रक ओवरलोड किया हुआ है यार, इतना ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं यार। बिना ये सोचे समझे कि जरा सा कोई खट्टा वट्टा आया और जरा सा बैलेंस बिगड़ा, सारी लकड़ियां इधर राइट साइड में। मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप आ गया, पेट्रोल डलवा लेते हैं। लोग कहते हैं यार हमारी बाइक एवरेज नहीं देती, मेरी तो बहुत अच्छी देती है यार। ऑटो कट हाँ 11 लीटर के आसपास आया है, 1024 रुपए का। कल भी रात को जब मैंने भरवा लिया था, कल रात को ना मैंने पहले ही भरवा लिया था, आज सुबह निकलते वक्त भरवाने का लफड़ा ही नहीं डाला था, तो कल भी 11 लीटर ही डलवाया था। तो 11 लीटर में मेरी बाइक ऑलमोस्ट चली है 320 किलोमीटर के आसपास, 8-9 किलोमीटर पहले ही चली हुई थी, 320 किलोमीटर के आसपास चली है 11 लीटर में। अब एवरेज अपने आप निकाल लेना भाई, जिनको लगता है कि बहुत कम देती है, ना के बराबर देती है। मैं माइलेज के बारे में हमेशा बोलता हूँ कि ये माइलेज जो है ना वो डिपेंड करती है आपके उस पर, कि आप किस तरह से चलाते हो, क्या चलाते हो, आपकी रोड कंडीशन क्या है, हर चीज़ के अकॉर्डिंग ही आपकी एवरेज निकल के आती है सामने। आप कुछ लोग कहते हैं भाई झूठ बोल रहे हो, इतनी एवरेज नहीं है, तो यार मैं क्या करूं भाई, हर किसी के लिए एक जैसी बाइक ये एवरेज नहीं दे सकती ना। सबके राइडिंग स्टाइल अलग है, रोड कंडीशंस अलग है, सब चीज़ें अलग हैं, बॉडी वेट अलग है, बहुत कुछ डिपेंड करता है यार एवरेज आने पर, बहुत कुछ। अब इस बारे में मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता यार, किसी को लगता है झूठ बोलते हैं, ठीक है मैं झूठ बोलता हूँ, मुझे शायद रॉयल इनफील्ड 10-15 लाख रुपए देती होगी झूठ बोलने के, देती तो मैं बोल भी देता यार, 10-15 लाख के लिए इतना छोटा मोटा तो झूठ चलता है, मगर फ्री में तो ज़िंदगी में कभी झूठ ना बोलूँ मैं। फाइनली अब पहाड़ शुरू हुए हैं यार, सुबह घर से निकले हुए 12 बजे के, और अब 8:30 बजे आकर 325 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद अब यहाँ से ना ये शुरू हुए हैं पहाड़। इस वाले रास्ते पे जो अंदर अंदर से रास्ता लेके आया है ना हमें अमित जी ने, जो मुझे होटल की लोकेशन दी है, वहाँ पर आकर तो बहुत लास्ट में आकर ये पहाड़ शुरू हुए हैं, अदरवाइज नैनीताल वाले रास्ते पे जाते तो बहुत जल्दी आ जाते हैं वहाँ पे। और इतना घूप अंधेरा है, अगर मैं हेडलाइट वगैरह बुझा दूँ ना भाई साहब, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कुछ भी, जीरो, एकदम जीरो, इतना अंधेरा है। भवाली 24 किलोमीटर, अब जहां होटल पे हमें जाना है 14 किलोमीटर है यहां से बस। सो भैया भीमताल आ गए हम रात को 8:51 पे, यानी कि 9 बजे। पूरे 350 किलोमीटर था ऑलमोस्ट यहाँ से हमारा दिल्ली, 360-300 ऐसे किलोमीटर था, और ये साथ में भीमताल ही है मेरे बिल्कुल साथ में, यहाँ मैप में देख रहे हो ये रहा, और ये, अरे वाह क्या खूबसूरत लग रहा है यार, ओए होए 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 होए, खूबसूरती, आई लाइक इट, क्या बात है। 2 मिनट खड़े होते हैं यार, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मुझे पता है मेरे GoPro में नहीं दिखाई देगा। देख रहे हो ये हमारे फोन के अंदर मैप में दिखा रहा है भीमताल, ये रहा इधर, और ये रहा सामने भीमताल। देख रहे हो, दिन होता तो बहुत अच्छा दिखाई देता, मगर अभी दिन नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। उधर सामने पहाड़ों पे लाइट्स जल रही हैं होटल्स वगैरह में, और पानी के अंदर देखो कितना प्यारा रिफ्लेक्ट आ रहा है, ऐसे फोन में इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, मगर बहुत खूबसूरत लग रहा है यार इस टाइम। चलते हैं, बस यहाँ से रह गया 1 किलोमीटर बस। वो रहा सामने, मुझे लेने आए थे अमित जी। कैसे हो अमित जी? देखो सुबह से चले हुए, अब मिले, अरे रे 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 मेरे प्रभु, गलती हो गई हमसे, मान लिया हमने। माफी चाहते हैं यार, सच में हमारी तबीयत बहुत खराब थी सुबह, पता है आप ना एक कॉल भी कर देते ना, मैंने एक उठाया भी नहीं आपने। मैं सच बताऊं, मैं घर से निकल चुका था, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, मैं रात को मैं दवाई भी नहीं खाया, मैं झंडू बाम लगाया, फिर मेरे को वॉमिटिंग जैसा होने लग गया सुबह 4 बजे, और यकीन मानेगा सुबह 4 बजे का अलार्म जो है ना वो बजा,
उठने की बजाय उसको बंद करके फिर सो गए, 4:30 बजे फिर बजा, सही में। तो ये रूम ले लिया है, ये अमित जी ने लिया है रूम, बढ़िया रूम है, फर्स्ट क्लास है एकदम, अच्छा खासा स्पेस है, स्पेसियस रूम है यार काफ़ी ना, टीवी वगैरह सब कुछ है, और सबसे अच्छी बात है कि ये वर्क टेबल है, यहाँ पे बैठ के आराम से अपना काम कर सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट एक ही दिया हुआ है, और यहाँ एक अलमीरा है, और एक ये अपना मिरर वगैरह, बाथरूम ठीक ठाक है, बाथरूम क्या दिखाऊँ, बढ़िया है कुल मिला के ना, स्पेसियस है, काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है रूम, अगर देखोगे ना इधर से दिखाऊँ, ये देखो काफ़ी स्पेसियस है यार। इस रूम के साथ हमें इंक्लूड मिला है ब्रेकफास्ट, मगर अभी जा रहे हैं नीचे डिनर करने के लिए। तो फाइनली यार नहा धो के तैयार हो गए और अमित जी खड़े हैं जनाब यहाँ पर, डिनर का इंतजार हो रहा है, सीधा जा रहे हैं यहाँ से नीचे डिनर करने के लिए। यहाँ नीचे ब्रेक नीचे है ना, रेस्टोरेंट नीचे ही है, और अमित जी के साथ ना अमित जी के रिलेटिव्स भी हैं, और उनसे मिलवाता हूँ आपको, अंकित गोयल जी, और अंकित जी और अमित जी आए एक साथ है ना, और अंकित जी मिले थे मुरादाबाद में है ना, आप हरिद्वार रहते हैं, हरिद्वार से आए मुरादाबाद, रुड़की, रुड़की से मुरादाबाद, मुरादाबाद में इन्होंने बहुत इंतजार कराया ना आपको। इंतजार तो आज सबको मैंने कराया यार, चले नीचे डिनर करने के लिए। ये है अपना होटल, बाहर ये बैठने के लिए एरिया है, सामने नज़ारे अच्छे हैं, अच्छा खासा है, स्पेसियस है बहुत अच्छा, और इधर है रिसेप्शन, रिसेप्शन भी अच्छा है भाई, ये वेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, होटल अच्छा है, मतलब कुल मिला के। ये है कैची धाम मंदिर, सुबह यहीं जाएंगे हम, अभी तो फिलहाल डिनर करने चलते हैं, और सुबह आपको फिर दिखाता हूँ मैं कैची धाम मंदिर। भैया तुम्हें आदत है ना, हमें तो आदत छूट गई, मुझे आदत है, हाँ। तो 400-500 किलोमीटर बताते हैं आप कौन से, ऐसे तो मैं भी चला जाता हूँ आराम से, करीबन मान के चलिए एक दिन में मैंने जो करी ना राइड वो 1400 किलोमीटर की करी है, 1400 किलोमीटर दिल्ली टू पुणे, ये तो अब मेरे को 1.5 महीना हो गया बिल्कुल भी राइड करे हुए, बिल्कुल भी, तो इसलिए इस बार फील हो रहा था यार लंबा लग रहा है रास्ता। आ गया स्वाद खाना खा के, हैं मिल्क के साथ में लेके घूम रहे, कह रहे मैं तो होऊंगा नहीं आपकी तरह, आपको करके मानूंगा ऐसा। हमारी सेहत खराब करवाएंगे, पहले ही पता मेरा पेट पहले से थोड़ा बाहर आ गया तुम्हारी मिठाई की वजह से। हाँ सही बता रहे हैं, मिठाई भारी पड़ रही है। तो कुल मिला के आज की राइड मस्त रही, मजा आया खूब, बस ये हुआ कि अमित जी और अंकित जी पहले ही आ गए और मैं अकेला पूरे रास्ते अकेले आया, मगर कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई क्योंकि ना अमित जी बार बार लगातार कॉल कर रहे थे, बातचीत हो रही थी हम दोनों की आपस में, तो इतना कोई अजीब नहीं लगा। मगर हाँ ये है कि आज वाली राइड में मेरी थोड़ी गलती है, ध्यान रखेंगे आगे से, एकदम एंजॉय करते हुए आए, मौसम बहुत प्यारा हो गया यहाँ का, ठंडा ठंडा हो गया एकदम, कल सुबह आपको यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे भीमताल के। तो इस ब्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, लव यू ऑल, बाय।